भाव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वर्षों बाद ऐसा मौका होगा जब सम्राट और वैष्णव मत के धर्मावलंबी एक ही दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और इस बार जन्माष्टमी कई मायनों में खास होगी। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने कई योग भी जन्माष्टमी पर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस अगस्त को मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार, कान्हा ला रहे आशा और विश्वास का उपहार, घर घर जलेंगे दीप, चारों तरफ फैलेगा उजियारा, जागेगी हर दिशा, जागेगा जग सारा। दुख भंजन करुणा निधान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके पदचाप की आहट से दुख और कलेश आहत हैं, प्रसन्नता मुस्कुरा रही है, खुशियां खिल खिला रही हैं। ज्योतिषाचार्य दिनेश शास्त्री के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। द्वापर में इसी योग में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत का चार गुना अधिक फल मिलने वाला है। श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता, मार्कंडेय पुराण इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो समय शास्त्र में वर्णित है वह है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि। इस समय कुछ मंदिरों में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना दिया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है। इस बार भी 26 अगस्त को यह मध्य रात्रि 12:28 पे आ रही है, इसलिए भगवान का जन्म 12:28 पे मनाना चाहिए। अब कान्हा के पूजा अर्चन की विधि समझ लीजिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भगवान लड्डू गोपाल के रूप में की जाती है। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को स्थापित करें। पूजा की थाली में जल, कुमकुम, चंदन, धूप, आरती का दीपक और फूल रखें। भोग की थाली तैयार करें। भोग में पंचामृत, पंजीरी, नारियल की मिठाई, फल या इच्छा अनुसार कोई भी भोग रखें। श्री कृष्ण के जन्म के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शर्करा से स्नान कराएं। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। लड्डू गोपाल को माथे पर चंदन लगाएं और नए वस्त्र धारण कराएं। मुकुट और बांसुरी लगाकर आरती करें। जन्माष्टमी पर इस श्लोक का पाठ करें। वसुदेव सूतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जन्माष्टमी पर्व को मनाने के लिए अगर घर में भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा मतलब लड्डू गोपाल भगवान की प्रतिमाएं आपके पास हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। जो बालक को वो पदार्थ चुभे नहीं, दूध दही इत्यादि पदार्थों से लड्डू गोपाल भगवान का अभिषेक आदि करके उनको नए वस्त्र धारण कराने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, मुरली धारण कराने चाहिए, मुकुट धारण कराना चाहिए, मोरपंख धारण कराना चाहिए। जो जो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को शास्त्र में प्रिय बताइए उन सभी वस्तुओं को भगवान लड्डू गोपाल के समर्पित करना चाहिए। भक्तों में अपने उल्लास को बांटने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए, पंजीरी का प्रसाद लगाना चाहिए। 12 बजे तक अभिषेक आदि संपूर्ण निवृत्त करके भगवान की स्तुति मध्य रात्रि में बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रकट होते देवता भी स्तुति करते हैं। अतः जब भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हो जाए तो भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के श्लोक बोलने चाहिए, वसुदेव देवकी के पुत्र को प्रणाम करना चाहिए, श्लोक बोलना चाहिए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि साधु सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की उपासना कर पाएंगे। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं के 3 जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।